हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महिलाओं की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया महिला शक्ति ने। 25 मार्च थार महोत्सव कार्यक्रम की संख्या में शुक्रवार को नंदी गौशाला में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, नंदी गौशाला, जिला पर्यटन विकास समिति और थार फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज की लगभग 500 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह के अतिथि श्रवण कुमार डुंगरोमल महेश्वरी, ओम प्रकाश मेहता, पुरुषोत्तम खत्री ने प्रतियोगिता की विजेता महिलाओं को नगद पुरस्कार की राशि पारितोषित के रूप में प्रदान की। थार महोत्सव समिति के सदस्य ओम जोशी ने बताया कि महिलाओं की बेड़िया प्रतियोगिता में भावना गेवर दास को प्रथम, दीपाली चंडक को द्वितीय और मगी देवी पाटी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा भाग लेने वाली सभी 10 टीमों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इसी क्रम में जयकारो थार रो प्रतियोगिता में मनीषा महावीर जैन को प्रथम, कविता प्रवीण खत्री को द्वितीय और ललिता शर्मा को पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा भाग लेने वाली 10 महिला समूह को सांत्वना पुरस्कार नगद प्रदान किया गया। भजन प्रतियोगिता में निशा महेश्वरी, रत्नी देवी बोत्रा, मगी देवी, सुशीला बालाजी ग्रुप, गीता सोनी और जशोदा देवासी ग्रुप को प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹1,000 प्रति समूह प्रदान किया गया। इसके अलावा 19 टीमों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इसर गणगौर प्रतियोगिता के रूप में उषा जितेंद्र महेश्वरी को प्रथम पुरस्कार, मीना शर्मा को द्वितीय और ढाटी समाज और महेश्वरी ग्रुप को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 9 टीमों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। परंपरागत वेशभूषा सौंदर्य प्रतियोगिता में श्वेता सोनी को प्रथम, डिंपल को द्वितीय और जिया केला को तृतीय पुरस्कार दिया गया। पुरुष संभाग्य के रूप में एकमात्र जिगर भूतड़ा को पुरस्कृत किया गया। समस्त प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में डॉक्टर बीडी तातेड़, ओम जोशी, दीप सिंह भाटी और कंचन व्यास ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के श्री वल्लभ सेवक, भारत विकास परिषद के किशोर शर्मा, महेश सुतार, चेलाराम सिंधी, किशोर भार्गव, बसंत खत्री, नरेंद्र दवे, मंदिर गौशाला के बंशी लाल के अलावा सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष ने समारोह में शिरकत की। इस समारोह में पहली बार डाट महेश्वरी समाज ने सार्वजनिक रूप से मोगर बनाने का लाइव कार्यक्रम किया। मोगर बनाकर समारोह में समस्त महिलाओं को प्रसाद वितरण किया गया। गुडाल होटल की तरफ से सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में विभिन्न दलों ने गैर का प्रदर्शन भी किया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।